अच्छा जी, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के लिए माह रमजान मुबारक में एक बड़ी ऑफर निकाली है। हर साल निकाल देता है, आजकल क्या करने जा रहा है, 100 टन खजूरें देने लगा है भाई। 100 टन खजूर कितनी होती है, कंटेनर के कंटेनर भर के आएंगे। लेकिन यही सऊदी अरब इंडिया के अंदर 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है और पाकिस्तान को खजूरों पर टरकाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया की एक वैल्यू है कि जहां पर इन्वेस्ट करके उसको एक अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। पाकिस्तान की कोई वैल्यू सऊदी अरेबिया के सामने नहीं रही। क्यों? क्योंकि भिखारी कौम की तरह जाते हैं, मांग कर आ जाते हैं। इन्वेस्ट करेगा भी क्यों, हमने उसको दिया ही क्या है, हमने उसको ऐसा देना भी क्या है, सिवाय चंद एक दुआओं के कि जी आपका बहुत शुक्रिया, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, आपने हमारी गरीब आवाम का ख्याल रखा, आपने खजूरें दे दी। अरे भाई, खजूर के बदले में उनसे आटा, घी, चीनी, चावल, दालें ये ले लेते तो गरीबों के घर राशन तो चला जाता, खजूर लेके आपको भी क्या मिलने वाला है। और हमें समझ नहीं आती ये खजूरें, 100 टन खजूर जो आती है हर साल, ये जाती कहाँ पर है? पता नहीं सरकारी खजानों से होती होती कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, या आवाम में लगती भी है कि नहीं लगती। तो हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, इस काबिल बनना पड़ेगा कि लोग इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास आए, ना कि सदका खैरात और सवाब के लिए खजूरें देने के लिए। थैंक यू सो मच।